नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए हैं गोलपड़िया के गिरवाई क्षेत्र में और जानेंगे फूलों की नस्लों के बारे में, कौन कौन सी किस्में होती हैं फूलों की और किससे कितना फ़ायदा मिलता है। तो अपना नाम? मेरा नाम ठाकुर सिंह कुशवाहा है। अच्छा दादा, ये कौन सी वेराइटी का फूल है? ये वाइट है, कच्ची कहते हैं, कुछ गिलेंडिया नवा भी इसको बोलते हैं। अच्छा, तो इसकी जो पैदावार होती है ये कब होती है? ये अक्टूबर नवंबर में अपन इसका वो लगाते हैं पौधा और जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, तो ये अप्रैल तक जाता है। और मार्केट में क्या रेट से बिकता है ये? मार्केट में 40-50 रुपए किलो बिकता है ये जो है। इसके कंपटीशन में इधर वो कच्ची भी ख़त्म हो जाती है, जो सफ़ेद फूल आता है। अब ये फूल गर्मी का रहता है। तो ये लगभग कितने महीने तक चलेगा? ये 6 महीने चलेगा अपना जो है। ये 6 महीने चलेगा है ना, और उसके बाद में फिर? फिर अपन इसको बेच के फिर दूसरा अपन कर देते। गर्मी में जो पौध बोते हैं जुलाई अगस्त में, फिर गेंदा हजारी गेंदा वो लगा देते हैं अपन। तो इसका जो बीज आता है वो आप कहाँ से लेते हैं? इसका बीज कभी दिल्ली से आता है, कभी अपन इंदौर से मंगा लेते हैं। तो क्या नाम बताना पड़ता है बीज के लिए? हाँ, कच्ची के नाम से बोलेंगे आप, वाइट कच्ची। वो हजारी आती है जो पूरी खिलने वाली। तो ये कितने महीने का फसल है? लगभग 6 महीने की फसल है ये। 6 महीने तक लगातार फूल देती है? लगातार फूल देती है 6 महीने तक। 6 महीने तक लगातार फूल देती है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं किस तरह से इनके दादा का बगीचा है और इससे जो होने वाली महीने की इनकम है वो भी जानेंगे। तो दादा, इससे जो महीने की इनकम होती है वो कितनी होती है? अब इसमें 25-30 हज़ार रुपये महीने की इनमें फूल में आ जाती है। ये लगभग कितनी जगह में लगे हुए हैं फूल? अभी तो करीब आधे बीघा में लगाया है अपन ने। ये आधे बीघा में, और अभी जो शुरुआत हुई है वो 25-30 हज़ार से हुई है। हाँ, 25-30 हज़ार से जो है। तो दोस्तों देख लेते हैं दादा का गार्डन एक बार और। हाँ तो दादा, कितने समय से कर रहे हैं ये फूलों की खेती आप? मैं करीब 25-30 साल से कर रहे हैं अपन इसको। 25-30 साल से कर रहे हैं। तो दादा, आप हमें ये बताएं, ये जो फूल है ज़्यादा मिले किसान को, फूल ज़्यादा मिले, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने को देसी खाद डाल दीजिए, गाय भैंसों का गोबर का एक साल का पचाया हुआ है, या बकरियाँ हैं, या आपके पास पोल्ट्री फार्म है। मेरे पास तो पोल्ट्री फार्म है, कुछ गाय भी हैं, वो डालता हूँ। उससे क्या है, पौधा भर के आता है, ज़मीन उपजाऊ होती है और DAP यूरिया से बढ़ जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी पैदावार नहीं आती जितनी अच्छी गाय भैंस बकरी या मुर्गी बीट से आती है। तो दादा का कहना यह है कि जो देसी खाद अगर डालेंगे तो ज़्यादा फूल मिलेंगे और पेड़ भी स्वस्थ रहेगा। चलिए दादा से बात करते हैं कि ये जो फूल है ये किस महीने में लगाया जाता है। हाँ तो दादा, ये फूल जो है किस महीने में लगाया जाता है? जैसे अक्टूबर में अपन इसका बीज बोते हैं, ठीक है, तो अक्टूबर भर के जैसे पौध तैयार हो जाती है, और नवंबर में अपन लगा देते हैं तो 45-50 दिन के बाद फूल तैयार हो जाओ आना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है ना। ठाकुर सिंह कुशवाहा जी का जो बगीचा है ये फूलों का, ये गलेटिया के फूल है। ये देखिए आप, चारों तरफ गलेटिया के फूल नज़र आ रहे हैं और आगे दिखाएंगे वीडियो में किस तरह गेंदे की जो फूलों की खेती की है इन्होंने साथ में इसके गलेटिया के। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपके गेंदे की जो खेती है उनके किस तरह की जाती है। ये देखिए गेंदे के ये पेड़ लगभग 3-3.5 फुट का पेड़ है और इसमें इतने सारे फूल लग रहे हैं। ये केवल कारण है देसी खाद जो इनके मुर्गी फार्म से और जो गाय भैंस से जो गोबर से जो देसी खाद डालते हैं, ये केवल उसी का कारण है कि इतना बड़ा पेड़ और इतने सारे जो फूल आ रहे हैं उसके अंदर। ये देखिए बाबा बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं किस तरह, कोई रोग तो नहीं है पेड़ों में फूलों में। ये देखिए चेक कर रहे हैं बाबा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका उस्टैंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।